الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله الحمد لله رب العالمين میرے نہایت واجب الاحترام سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی جمعۃ المبارک کی نشست میں میں نے آپ حضرات کے سامنے موت کی تیاری کے عنوان پر گفتگو کی تھی. موت یہ ایسا اٹل فیصلہ ہے، ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس نے آ کر ہی رہنا ہے. رب کائنات نے قرآن مجید میں بار بار اس کا حکم دیا ہے اور انسان کو یاد دہانی کروائی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم وإلیہ ترجعون انک میت وانہم میتون. رب کائنات نے بار بار قرآن مجید میں انسان کو یاد دہانی کروائی ہے کہ اے انسان، تو نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اس دنیا سے جانا ہے. یہ دنیا، اس دنیا کے اندر انسان عمل کرتا ہے، رب کائنات کل قیامت کے دن انسان کو اس کے اعمال کی سزا اور جزا عطا کریں گے. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی موت کی تیاری کرے، انسان اپنی موت کے بعد کے لیے تیاریاں کرے، اعمال کرے. اور انسان کو چاہیے کہ ہر وقت وہ موت کو یاد رکھے. موت کو یاد کرنے کی اصل حقیقت کیا ہے، یعنی موت کو کس طرح یاد کرنا چاہیے؟
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला से सवाल किया, ए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, आप मौत को कितना याद करते हैं? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फजर की नमाज अदा करूँ तो मुझे इस बात की उम्मीद नहीं है कि मौत मुझे ज़ोहर की नमाज अदा करने की तौफीक देती है कि नहीं। सैयदना उमर फ़ारूक से पूछा तो उन्होंने बयान किया कि मैं ज़ोहर की नमाज अदा करूं तो पता नहीं मौत मुझे असर की नमाज पढ़ने दे या ना दे। सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मैं असर की नमाज अदा करूं तो पता नहीं मगरिब की नमाज अदा कर सकूंगा कि नहीं। सैयदना अली मुर्तज़ा से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मैं मगरिब की नमाज अदा करूं, पता नहीं कि मैं इशा की नमाज अदा कर सकता हूं कि नहीं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबाए किराम, मौत को जिस तरह याद करने का हक था वो हक आपने अदा नहीं किया। सहाबाए किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसे? आमना किलास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबाए किराम, मौत को याद करने का हक ये है कि मैं आमना किलास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहा हूँ, दाएं तरफ सलाम फेरूँ तो इस बात की भी उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि मैं बाएं तरफ सलाम फेर सकूँगा कि भी नहीं। मौत मुझे बाएं तरफ सलाम फेरने की तौफीक देगी कि नहीं, ये है मौत को याद करने का हक। लेकिन इंसान ने साल हा साल के प्लान बना रहे हैं, साल हा साल के लिए तैयारियां कर रही हैं, लेकिन मौत तो ये है कि पता नहीं बाएं तरफ सलाम फेर सकेगा कि भी नहीं, अगला सेकंड नसीब होगा कि नहीं। हज़रत खालिद बिन वलीद रहिमहुल्लाह ने बयान किया कि मौत ये मुकद्दर है, ये मुकर्रर है, अगर मौत मुकर्रर ना होती तो मौत ज़िंदगी की खुद हिफाजत करती। अब जब मौत मुकर्रर में है तो ज़िंदगी खुद दौड़ कर मौत को जाकर लपेट लेती है। ज़िंदगी से ज़्यादा कोई जी नहीं सकता, मौत से पहले कोई मर नहीं सकता। और दुनिया के बुज़दिलों को मेरा ये पैगाम सुना दो कि अगर मौत सिर्फ़ मैदान जिहाद में आती तो मैं खालिद बिन वलीद रहिमहुल्लाह की मौत बिस्तर पर ना आती। यानी मौत किसी भी वक्त में आ सकती है। और जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो सिर्फ तीन चीज़ें अपने साथ लेकर जाता है, एक उसका माल, दूसरी उसकी बरादरी और तीसरा उसके आमाल। जब इंसान को दफना दिया जाता है तो दो चीज़ें वापस आ जाती हैं, सिर्फ एक चीज़ उसके साथ आगे जाती है। माल और बरादरी ये वापस आ जाते हैं, सिर्फ आमाल ने उसके साथ जाना है। लिहाजा इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं उनको चाहिए कि अपनी मौत के बाद के लिए तैयारियां करें, मौत के बाद के लिए आमाल अच्छे करें। और इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, हर इंसान की ये कोशिश होती है कि नफ़े वाली चीज़ मेरे पास आ जाए और नुकसानदेह चीज़ मुझसे दूर चली जाए। इंसान की सारी मेहनत, सारी कोशिशें, सारी साय सिर्फ इसी वजह से होती है कि नफ़े वाली चीज़ हमारे पास आ जाए, हम नफ़े वाली चीज़ के करीब हो जाएं, नुकसानदेह चीज़ हमसे दूर हो जाए और हम नुकसानदेह चीज़ से दूर हो जाएं। इंसान की सारी कोशिशों का असूल सिर्फ यही होता है कि नफ़े वाली चीज़ इंसान के करीब आ जाए। और ये बात भी याद रखिए, दुनिया का नुकसान ये हमेशा नहीं रहना। दुनिया में इंसान को अगर नफ़ा पहुंचता है तो वो नफ़ा भी इंसान के साथ हमेशा नहीं रहना। दुनिया में अगर इंसान को नुकसान पहुंचता है तो वो नुकसान भी इंसान के साथ हमेशा नहीं रहना। लेकिन एक नुकसान और नफ़ा है जो इंसान के साथ हमेशा रहना है, और वो है क़यामत का नफ़ा और नुकसान। क़यामत का नफ़ा क्या है? क़यामत का नफ़ा है जन्नत का हासिल हो जाना, और क़यामत का नुकसान है जहन्नम का इंसान के हिस्से में आ जाना। लिहाजा जो क़यामत वाला नफ़ा है
वो हमेशा हमेशा के लिए है, और जो क़्यामत का नुकसान है वो भी हमेशा हमेशा के लिए है। लिहाजा इंसान को चाहिए उसके लिए तैयारियाँ करें। रब्बे कायनात ने सूरतुल बकरा पहले सपारे में आयत नंबर 25 में हुक्म दे रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वबशिरिल लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار। क़यामत के रात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आप ईमान वालों को और नेक आमाल करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस चीज़ की खुशखबरी सुनानी है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अन्ना लहुम जन्नातिन, के नेक आमाल करने वालों के लिए बागात हैं, महल्लात हैं। कैसे कैसे बागात और महल्लात हैं? रब्बे कायनात ने फरमाया, तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो ऐसे बागात हैं, वो ऐसे महल्लात हैं कि जिनके नीचे नहरें जारी हैं। आइए रब्बे कायनात के कुरान से सवाल करते हैं कि ऐ कुरान, वो नहरें कितनी किस्म की होंगी जो रब्बे कायनात ने फरमाया कि नहरें जारी हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे नहरें जारी हैं, कितनी नहरें होंगी? रब्बे कायनात ने के कुरान ने बयान किया सूरह मुहम्मद 26वां सिपारा आयत नंबर 15 में, मसलुल जन्नति लती वुइदल मुत्तकून, के मिसाल जन्नत की, वो जन्नत जो वादा किए जा रहे हैं मुत्तकीन लोग, यानी अल्लाह से डरने वाले लोगों से जिनसे वादा किया गया है कि वो नहरें कौन सी होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फीहा अनहार, उसके अंदर चार किस्म की नहरें होंगी। वो नहरें कौन सी हैं? पहली उनमें से रब्बे कायनात ने फरमाया, वह अनहारुम मिम्मा इन गैरी आसिन, उनमें से पहली किस्म की नहर वो पानी की नहर होगी, और वो पानी भी कैसा, मिन गैरी आसिन, कि जो कभी भी गंदा नहीं होगा, जिसका रंग कभी तब्दील नहीं होगा, जायका तब्दील नहीं होगा, खुशबू तब्दील नहीं होगी। दुनिया के पानी के अंदर अगर मिट्टी पड़ जाए, गर्दो गुबार पड़ जाए, तो पानी का जायका तब्दील हो जाता है, पानी का रंग तब्दील हो जाता है, पानी की खुशबू तब्दील हो जाती है। लेकिन जन्नत का पानी वो ऐसा पानी है कि जिसके अंदर ना ही उसका जायका तब्दील होगा, ना ही उसकी खुशबू तब्दील होगी, और ना ही उसका रंग तब्दील होगा। मिम्मा इन गैरी आसिन, जो बिल्कुल साफ़ और शफाफ पानी होगा। और दूसरी नहर कौन सी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वअन्हारुम मिन लबनिन, के दूसरी किस्म की नहर वो दूध की नहर होगी, और दूध भी कैसा कि उसका जायका और रंग कभी तब्दील नहीं होगा। ये हम सब का तजर्बा है कि अगर कोई इंसान रेफ्रिजरेटर के अंदर दूध को रख दे काफ़ी अरसे तक पड़ा रहे, तो दूध का जायका तब्दील हो जाता है, दूध की हालत दूध वाली नहीं रहती। लेकिन जो कल क़यामत के दिन दूध की नहर होगी, उसका जायका कभी भी तब्दील नहीं होगा। और इस दुनिया के अंदर सवाल ये होता है कि कल क़यामत के दिन दूध की नहर किस तरह चलेगी? दुनिया में दूध मिलता है तो गाय के थनों से मिलता है, तो इसका जवाब यही होता है कि दुनिया के अंदर जिस तरह गाय के थनों से दूध को जारी करने वाली ज़ात रब्बे कायनात की है, तो कल क़यामत के दिन दूध की नहरें चलाने वाली ज़ात भी रब्बे कायनात की है। फ़अलुल्लिमा युरीद,
जो वो चाहे वही होता है, जो वो इरादा कर ले वो काम हो जाता है। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक वो ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। शायर ने क्या खूब कहा, जो वो चाहे सो वही हो, जो वो चाहे सो वही हो, दुख में उसके आगे रो, मिन्नत कर दामन फैला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी रब्बे कायनात जो चाहते हैं वही कर सकते हैं, इंसान की अपनी मर्ज़ी नहीं चलती, रब्बे कायनात की मर्ज़ी चलती है। इंसान रब्बे कायनात की मर्ज़ियों का पाबंद है। तो दूसरी नहर है दूध की नहर, कि जिसका जायका भी कभी तब्दील नहीं होगा। तीसरी नहर कौन सी, रब्बे कायनात ने फरमाया, वो अन्हारों मिन खमर लज्जत लिशारिबीन, कि शराब तहूरा की नहर होगी, कि शराब वो भी ऐसी शराब कि जो इंसान जितना ज़्यादा वो शराब पिएगा, इंसान का दिलो और दिमाग उतना ज़्यादा पाक और साफ़ होता चला जाएगा। इंसान दुनिया में शराब पीता है तो इंसान का दिल और दिमाग ख़राब हो जाता है, उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है, इंसान मदहोश हो जाता है, दीवाना हो जाता है। लेकिन कल क़्यामत के दिन जब इंसान शराबन तहूरा को पिएगा, इंसान जितना पीता जाएगा उतना उसका दिल पाक और साफ़ होता चला जाएगा। चौथी नहर कौन सी, रब्बे कायनात ने फरमाया, वअन्हारुन मिन असलिम मुसफ़ा, के चौथी किस्म की नहर वो शहद की नहर है, और शहद भी कौन सा, रब्बे कायनात ने फरमाया मुसफ़ा। वो मशीनों के ज़रिए साफ़ नहीं किया होगा, वो रब्बे कायनात की कुदरत से साफ़ किया हुआ होगा। यह चार किस्म की नहरें जो कल इंसान को जन्नत में मिलेंगी, जो बागात और महल्लात के नीचे जारी होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ऐसे लोगों में शुमार करे कि जिनके नीचे, जिनके महल्लात के नीचे इस तरह की नहरें जारी हों। सिर्फ इतना ही नहीं, इंसान के खाने के लिए वहाँ जन्नत पर क्या होगा, रब्बे कायनात ने फरमाया आयत नंबर 25 में ही सूरतुल बकरा की, कुल्लमा रुज़िकु मिन समरतिर रिज़्क़ा, कि जब अहले जन्नत के फरिश्ते टोकरियों में फलों को सजाकर अहले जन्नत के सामने पेश करेंगे तो जन्नती कहेंगे हम ये फल नहीं खाते, हम इनको चखना भी नहीं चाहते। फरिश्ते कहेंगे क्यों नहीं खाना चाहते, वो जवाब देंगे हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, कि ये वही फल है जो हम दुनिया में खाया करते थे, ये आम है, ये सेब है, ये अनार है, वगैरह वगैरह, ये दुनिया में खाए जाने वाले फल हैं, हम इनको नहीं खाना चाहते। फरिश्ते जवाब देंगे वक्तू बिही मुतशबिहान, कि ये है तो वही फल, दुनिया में तुम्हें ये फल इसलिए खिलाए गए थे कि ताकि तुम्हें इनके खाने का तरीका और सलीका पता चल जाए, क्योंकि अगर इंसान को फल खाने का तरीका मालूम ना हो तो इंसान बार बार पूछता रहेगा। दुनिया में तुम्हें वो फल इसलिए खिलाए गए थे ताकि तुम आज जन्नत में हमसे बार बार सवाल ना करो, इसलिए ये तुम्हें नमूने के तौर पर दुनिया में ये फल दिए गए थे। और दूसरा माना ये है वातू भी मुतशबिहा, कि जब अहले जन्नत एक बार आम खा लेंगे, एक बार अनार खा लेंगे, थोड़ी देर बाद जब वो फिर फरिश्तों से कहेंगे कि आम पेश करो, आम अनार पेश करो, तो वो दोबारा अनार और फिर आम की ट्रे लेकर आ जाएंगे, तो अहले जन्नत कहेंगे हम ये नहीं खाना चाहते। क्यों नहीं खाना चाहते, वो कहेंगे अभी थोड़ी देर पहले हमने खाए हैं, हम दोबारा वही फल नहीं खाना चाहते। फरिश्ते जवाब देंगे तू भी मुतशबिहा, हाँ हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, यह वही फल है जो तुम्हें थोड़ी देर पहले खिलाए गए थे। ये शक्ल के एतबार से तो वही फल है लेकिन जायके के एतबार से चेंज है। तुम जितनी बार फल तलब करोगे, जितनी बार आम तलब करोगे, हर बार उस फल का जायका तब्दील होगा। एक बार तुमने जो जायका चख लिए दोबारा वो जायका तुम्हें नहीं मिलेगा, हर बार तुम्हें जायका तब्दील होकर मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं,
रब्बे कायनात ने फरमाया आयत नंबर 26 में सूरत हामीम सजदा में वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, कि अगर कोई इंसान दुनिया के लोगों के पास मेहमान बनकर आता है, मेहमान अपने मेज़बान से कहता है कि मेरे सामने ये चीज़ पेश करो, लेकिन मेज़बान के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो इंसान वो चीज़ पेश कर सके, तो इंसान के दिल में बोझ पैदा हो जाता है कि काश ये मुझसे ये चीज़ ना मांगता। लेकिन रब्बे कायनात फरमाते हैं वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, कल क़यामत के दिन ये हालत हमारे सामने ही नहीं होगी, तुम्हारे लिए हर वो चीज़ होगी जो तुम मुझसे मांगोगे, तुम्हारा काम होगा मांगना अता करना, मैं रब्बे कायनात का काम होगा। वहाँ पर दुनिया वाली मेहमानी नहीं होगी, नुज़ुलम मिन ग़फूरिर रहीम, वहाँ कल क़यामत के दिन दुनिया वाली मेहमानी और मेज़बानी नहीं होगी, वहाँ कल क़यामत के दिन ऐ इंसान तुम मेहमान होगे और मैं रब्बे कायनात तुम्हारा मेज़बान होऊंगा, जो तुम मुझसे मांगोगे मैं रब्बे कायनात तुम्हें अता करता जाऊंगा। इसी तरह रब्बे कायनात ने फरमाया वफीहा मा तश्तहील अनफुस वतलज़्ज़ुल अयुन, कि इंसान जो मांगता जाएगा रब्बे कायनात उसको मांगने पर वो चीज़ें अता करते जाएंगे। ये है कल क़यामत के दिन की जन्नत और मेज़बानी, मेहमानी और मेज़बानी, कि इंसान मेहमान होगा और रब्बे कायनात मेज़बान होंगे, इंसान जो मांगता जाएगा रब्बे कायनात अता करते जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात इंसान को हूरे भी अता करेंगे। वह हूरे भी कैसी होंगी, रब्बे कायनात ने उनकी सिफात बयान करते हुए फरमाया सूरतुर रहमान के आखिरी रुकू में हूरुम मकसूरातुन फिल खियाम, कि वह हूरे ऐसी होंगी मकसूरातुन कि उनकी नज़रें झुकी हुई होंगी, फिल खियाम कहाँ पर होंगी, वो अपने अपने खैमों में होंगी। فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, वो उन हूरों की सिफत क्या होगी। रब्बे कायनात ने फरमाया लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़बलहुम वला जान, कि वो हूरें ऐसी होंगी लम यतमिसहुन्ना, किसी इंसान ने और किसी जिन ने आज तक उन्हें छुआ भी नहीं होगा। दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं कि जिसको छुआ हुआ ना हो, बाप भी तो इंसान है, भाई भी तो इंसान है, माँ भी तो इंसान है, रिश्तेदार भी तो इंसान है, वो अपनी बेटियों को उठाते हैं, प्यार करते हैं, छूते हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन जो इंसान के हिस्से में हूरें आएंगी उन हूरों की सिफत ये होगी लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़बलहुम वला जान, कि ना ही किसी इंसान ने उन्हें छुआ होगा और ना ही किसी जिन ने उन्हें छुआ होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अहले जन्नत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बागात अता करेंगे। कौन से बागात, रब्बे कायनात ने फरमाया सूरह नबा तीसरे सिपारे में इन्ना लिल्मुत्तकीन मफाज़ा हदाइक व अनाबा व कवाइब तुराबा व कासन दिहाका, कि अहले जन्नत के सामने बागात होंगे, जैतून के बागात होंगे, आम के दरख्त होंगे, खजूर के दरख्त होंगे, हर किस्म का अनाज उनके सामने होगा, वह बागात में होंगे। प्यालों की सिफत बयान करते हुए फरमाया वकासन दिहाका, प्याले छलकते हुए होंगे, छोटे छोटे बच्चे उनको उठाए हुए तुम्हारे सामने फिरते हुए होंगे, और क्या होगा जन्नत में, रब्बे कायनात ने फरमाया ला यस्माउना फीहा लगवा वला किज़ाबा, के रब्बे कायनात फरमाते हैं कि उस जन्नत के अंदर इंसान ना ही कोई लघ बात को सुनेगा और ना ही किसी किस्म के झूठ को सुनेगा। और जब इंसान
जन्नत में दाखिल होगा तो क्या हालत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह रअद में तीसरे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनीमा उकबद्दार के फरिश्ते हर दरवाज़े से उनके ऊपर दाखिल होंगे और हर दरवाज़े से दाखिल होकर क्या कहेंगे, सलामुन अलैकुम, के तुम्हारे ऊपर सलामतियाँ ही सलामतियाँ हैं। किस वजह से सलामतियाँ हैं, बिमा सबर तुम, के दुनिया में तुमने सबर किया है, फ़नी अमाउकबद्दार, आज ये जन्नत का घर तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा का घर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है कि जब इंसान जन्नत में दाखिल हो जाएगा एक फरिश्ता इंसान को मुखातिब होकर उससे कहेगा कि ऐ इंसान अब तो खुश हो जा कि तेरे ऊपर हमेशा हमेशा खुशी रहेगी, अब रंज और गम तेरे पास कभी नहीं आएगा, तू हमेशा जवान रहेगा, तेरे ऊपर कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, तो इंसान तो हमेशा अब जिंदा रहेगा, तेरे ऊपर कभी भी मौत ने नहीं आना। यह है इंसान की सिफत के रब्बे कायनात अहले जन्नत को अता करेंगे, क्योंकि जन्नत ये वाकई ऐसी चीज़ है कि इंसान को जन्नत के करीब होना चाहिए और जन्नत को इंसान के करीब होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जिससे इंसान को पनाह मांगनी चाहिए यानी जहन्नम, क्योंकि जहन्नम वो वाकई ऐसी जगह है कि जहन्नम इंसान को दूर होना चाहिए और इंसान को जहन्नम से दूर होना चाहिए, क्योंकि रब्बे कायनात ने फरमाया वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिन मिनन नार फअंकसकुम मिन्हा, कि रब्बे कायनात इंसान से मुखातिब होकर कहते हैं कि इंसान तुम जहन्नम के किनारे पर खड़े थे, जहन्नम में घिरने ही वाले थे, मैं रब्बे कायनात ने आमना कैलास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, वो आए तुम्हारे सामने, आकर मेरा कानून तुम्हारे सामने बयान करते गए और तुम उस कानून के ऊपर अमल करते गए, फअनकाज़ाकुम मिन्हा, तो मैं रब्बे कायनात ने तुम्हें जहन्नम में घिरने से बचा लिया, क्योंकि जहन्नम इसके अंदर बहुत सारे अजाबात हैं। जहन्नम दुनिया जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ आग है। जहन्नम की आग सिर्फ तेज़ नहीं, जहन्नम के अंदर रब्बे कायनात सांपों को देंगे जो ऊँटों जितने बड़े होंगे, उन सांपों के एक बार डस जाने की वजह से इंसान को 40 साल तक उसकी सोजिश रहेगी, उसकी तकलीफ़ रहेगी, और खचरों जितने बिच्छू होंगे कि अगर वो बिच्छू इंसान को एक बार डंग मार ले, एक बार काट ले, तो इंसान को 40 साल तक उसकी तकलीफ़ होती रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर उसके पीने के लिए गस्साक, जहन्नम में जल जाने की वजह से इंसान के जिस्म से जो पीप पैदा होगी, रब्बे कायनात प्यास के वक्त वो पीप इंसान के ऊपर उंडेल देंगे, इतना सख्त अजाब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उस पीप का एक कतरा इस दुनिया के अंदर आ जाए तो इस दुनिया के सारे पानी का जायका ख़राब हो जाएगा, इतना सख्त अजाब है उसका। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर खाने के लिए जक्कूम थोर के दरख्त होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर थोर के दरख्त का एक कतरा दुनिया में आ जाए तो दुनिया के अंदर जितने भी खुर्दनोश अशिया हैं, खाने की चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का जायका तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। कल क़यामत के दिन अहले जहन्नम को वो जक्कूम के दरख्त खिलाए जाएंगे, इंसान वो जक्कूम के दरख्त को खाएगा, उससे ना ही उसकी भूख मिटेगी, भूख भी नहीं मिटेगी, इंसान को वो खाएगा तो खाने की वजह से उसकी आंतरियाँ सारी की सारी कट जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, रब्बे कायनात उसके ऊपर और भी अजाब भेजेंगे। अहले जहन्नम अहले जन्नत से खिताब करते हुए फरमाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया 8वां सिपारा सूरह अल आराफ आयत नंबर 50 में, वनादा अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, कि अस्हाबुन नार यानी अहले जहन्नम अहले जन्नत के सामने रो रो कर दरख्वास्तें करेंगे
क्या दरख्वास्त करेंगे, अन अफीजु अलैना मिन मा, अहले जन्नत हमारे ऊपर पानी का एक कतरा ही बहा दो, पानी सारा तुम पी लो, जो एक कतरा बच जाए वो एक कतरा ही हमारे ऊपर बहा दो, मेवे तुम खा लो, जो थोड़ा सा खाना बच जाए वो खाना ही हमें दे दो, सारे फल और मेवे तुम खा लो, उन मेवों और फलों का छिलका ही हमें दे दो। तो अहले जन्नत अहले जहन्नम को जवाब देंगे और उनसे कहेंगे, क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, कि अहले जन्नत जवाब देंगे कि रब्बे कायनात ने जन्नत के फल तो क्या, जन्नत का पानी तो क्या, रब्बे कायनात ने तुम्हारे ऊपर जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अहले जन्नत के सामने वो दरख्वास्तें नहीं करेंगे, जो जहन्नम का फरिश्ता दारोगा मालिक होगा उससे भी दरख्वास्तें करेंगे। रब्बे कायनात ने फरमाया, या मालिक लियक्ज़ी अलैना रब्बुक, कि अहले जहन्नम फरिश्ते से कहेंगे, ऐ मालिक अपने रब के सामने दरख्वास्त कर हमारे लिए, लियक्ज़ी अलैना रब्बुक, कि वो हमारे ऊपर कोई ना कोई फ़ैसला कर दे, हमें हमेशा हमेशा के लिए मौत दे दे, हमें ज़िंदगी अता ना करे। तो वो फरिश्ता जवाब देगा, क़ाल इन्नकुम माकिसून, कि नहीं नहीं, अब तुमने यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहना है। वाकई जहन्नम ये ऐसी जगह है कि जहन्नम को इंसान से दूर होना चाहिए और इंसान को जहन्नम से दूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, अहले जहन्नम रब्बे कायनात से भी दरख्वास्तें करेंगे कि ऐ रब्बे कायनात हमें एक बार दुनिया में भेज दे, रब्बना अखरिजना नअमल सालिहान गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, अहले जहन्नम रब्बे कायनात से दरख्वास्तें करेंगे, ऐ रब्बे कायनात हमें एक बार दुनिया में वापस भेज दे कि जो अमाल हम नहीं करते थे, हम नमाज़ें नहीं पढ़ते थे, हम रोज़े नहीं रखते थे, हम ज़कात अदा नहीं करते थे, हम सजदे नहीं करते थे, हमने माल होने के बावजूद हज अदा नहीं किया, ऐ रब्बे कायनात हमें एक बार दोबारा दुनिया में भेज दे, कुन्ना नामल, हम नेक अमाल करेंगे, हम नमाज़ें अदा करेंगे, हम रोज़े रखेंगे, हम ज़कात अदा करेंगे, हम हज अदा करेंगे, हम नबी की सुन्नत को अपने चेहरे की जीनत बनाएंगे, हम सजदे करेंगे, ऐ रब्बे कायनात हमें एक बार तो दुनिया में भेज दे। लेकिन रब्बे कायनात जवाब देंगे, फ़ज़ूक़ु फ़मा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, कि नहीं, मैंने तुम्हें दुनिया में मोहलत दी थी, मैंने आमना किलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेजा था, मैंने अपना पैगाम कुरान की सूरत में भी भेजा था कि तुम अगर अकल की सूरत से कायनात की अशिया को देखकर मैं रब्बे कायनात के ऊपर ईमान नहीं ला सकते, तो आमना किलाल के पैगाम को सुनकर ईमान ले आओ, अगर उस पैगाम को सुनकर नहीं ईमान ला सकते तो कुरान की कही हुई गुफ्तगू को सुनकर ईमान ले आओ, लेकिन तुमने ईमान को झुटला दिया है, फजू को पस चखो इस दर्दनाक अज़ाब को, फ़माल ज़ालिमीन मिन अंसार, आज के बाद तुम्हारा कोई भी मददगार नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जहन्नम के अंदर सबसे हल्का अज़ाब क्या होगा, सबसे हल्का अज़ाब ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही बुखारी की रिवायत, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम के अंदर इंसान को आग के बने हुए जूते पहनाएंगे। जब इंसान वो आग के बने हुए जूते पहन लेगा तो उस आग के पहने हुए जूतों की वजह से इंसान का सर हंडियों की वजह से उबलना शुरू हो जाएगा, इंसान का सर फट जाएगा, इंसान का सारा जिस्म नेस्त नाबूद होना जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर रब्बे कायनात और भी अजाब देते जाएंगे। आमना किलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बे कायनात ने जहन्नम को 1000 साल तक धमकाया, यानी 1000 साल तक उसको भड़काया,
1000 साधक भड़काने की वजह से उसकी आँख स्याह होगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम की आग को 1000 साल मरतबा और भड़काया। फिर 1000 साल मरतबा भड़काने की वजह से जहन्नम की आग सफ़ेद होगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम की आग को 1000 साल मरतबा और भड़काया कि जिसकी वजह से वो आग स्याह हो गई। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ आग है। और जब अहले जहन्नम जन्नत जहन्नम के करीब होना शुरू होंगे तो जहन्नम की तरफ से आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कल क़यामत के दिन जहन्नम का ईंधन ये इंसान और पत्थर होंगे। और जन्नत ये ऐसा मकाम है कि इंसान को जन्नत के करीब होना चाहिए और जन्नत को इंसान के करीब होना चाहिए, और जहन्नम ये ऐसा मकाम है कि जहन्नम इंसान से दूर होनी चाहिए और इंसान को जहन्नम से दूर होनी चाहिए। जिस तरह एक इंसान की कोशिश होती है दुनिया में कि नफ़े वाली चीज़ हमारे करीब आ जाए, नुकसानदेह चीज़ हमसे दूर हो जाए, लिहाजा अक्लमंद इंसान वही होगा जो कल क़यामत के दिन हमेशा वाली जिंदगी के लिए अच्छे आमाल करेगा, ताकि उन अच्छे आमाल की वजह से जन्नत उसके करीब हो जाए और जहन्नम उससे दूर हो जाए। रब्बे कायनात से दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हमें नेक आमाल करने की तौफीक अदा फरमाए और हमें अहले जन्नत में शुमार करे और अहले जहन्नम से हम सबको बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।